राम राम भाई, सारे भाइयों ने किया बाण अपने बीच है। राम राम अंकल जी, कौन सा गांव अंकल जी आपका? झुंझुनू है। झुंझुनू राजस्थान तार ये बेबे, कितने क्वेश्चन करे? क्वेश्चन 70 किए। 70, तैयारी कहाँ से की आपने? सेल्फ स्टडी। कोई चैनल देखा हो यूट्यूब पे? चैनल आसू जी की ट्रिक से थोड़ा बहुत किया था। अच्छा जी, सेल्फ स्टडी। चलो, कोई टॉपिक याद हो सब्जेक्ट में कोई, जैसे मैथ रीजनिंग में क्या रहा था? रीजनिंग में तो ज्यादा डायग्राम वाले थे, आकृति फिगर आकृति वाले, और मैथ में थे लाभ हानि और साधारण ब्याज, वो था। जीके के अंदर ज्यादा अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे थे, संविधान अनुच्छेद द्वारा। और कंप्यूटर में है ना एमएस वर्ड, और जो मतलब जो पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनके बारे में था। चलो इतना ही था, 70 क्वेश्चन कर दिए। कितने एक्यूरेसी कितनी बहन अपनी? देखो तुक्के कितने मारे अपने हिसाब से? तने तुक्के भी ज्यादा तो नहीं मारे। अच्छा चलो भाई, बहुत होशियार लग गए तू, सकलता है। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद भाई। ये दो बाण भाई हो गए। चलो फिर ठीक है। कौन सा काम बेबे? दिल्ली गाजियाबाद कसूती आवाज ले रहे हो तुम तो। चलो कितने क्वेश्चन हुए हैं बेबे अपने? 70। तैयारी कित करी तने? रोजगार विद अंकित कसूती चल रहे हैं भाई ये तो। बेबे को रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, और अच्छा थोड़ा बहुत जीके में डगमगा रहा है, पर वो भी इजी है। जीके में मतलब इसे क्वेश्चन आगे जो तने पढ़े नहीं थे इतने? हां, पर थोड़े बहुत ही आए थे, ज्यादातर 5-7-10। अच्छा, और कोई टॉपिक याद? रुक जाओ बताओ, ये तुम भी बताइए। टॉपिक में कप वगैरह आ रहे हैं, जीके में और रीजनिंग में फिगर एमडी वाले क्वेश्चन आ फिगर। जीके के बता बेबे, जीके में के में याद हो? कड़े तो पूछे संविधान में तो कितना है। हाँ, पॉलिटी ज्यादा आ रही है। पॉलिटिकल सीनियरिटी, पॉलिटिकल में टॉपिक याद है एक दो? डायरेक्ट प्रिंसिपल और ड्यूटीज वगैरह। चलो, कर्तव्य आ रही है, ये प्रिंसिपल, ये नीति निर्देशक सिद्धांत, बाकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लो भाई, यो भाई, हपोटा भाई, तुम कितके हो? रुक जाओ, डट जाओ, कितके हो भाई? राजस्थान में, जिला सीकर था भाई। कितने क्वेश्चन हुए हैं भाई? 75। 75 भाई, तैयारी कितने करी? क्या तैयारी कहाँ से की आपने भाई? यही रोजगार विद अंकित, RWA रोजगार विद अंकित से। मुस्कुराते हुए चेहरे आए हैं भाई। तो कोई टॉपिक वगैरह याद है बताओ भाई? जीके जीएस में यही स्टैटिक जीके आ रही 10-15 क्वेश्चन। अच्छा, और इकोनॉमिक्स। अच्छा भाई, के कुछ पूछा कोई टॉपिक याद होता बता यार? स्टैटिक में तो वही नृत्य, गेम्स, गेमर नृत्य भाई, और संविधान संशोधन भी आ जाता? नहीं, अनुच्छेद। अनुच्छेद आ रहे थे भाई, और प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धांत? नहीं, इनमें तो नहीं भाई। अनुच्छेद आए थे नदी के बारे में, ज्योग्राफी में। नदी है, नदियों के बारे में, नदिया के बारे में ज्योग्राफी में आ जाता भाई। नदी और पार्ट रट लियो ज्योग्राफी में। चलो भाई, बहुत बढ़िया जानकारी दे दी, तेरा भी था एग्जाम, फिर बता देना। क्वेश्चन कितने करे? 75। तैयारी कितना कित करी? रोजगार भी कितना छाया भाई, जबरदस्त भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चैनल तो तुमने भेजा है ना, पोटा उस भाई ने भेजा है भाई। ये भाई है, कौन सा गांव है भाई? मेरा गांव है मालपा, तहसील। तहसील, जिला टोंक, राजस्थान। टोंक राजस्थान भाई, कितने क्वेश्चन ठोके फिर? मैंने 86 क्वेश्चन। 86 भाई, तैयारी कहाँ से की थी आपने? तैयारी मैंने खुद की, ऑनलाइन। चलो, सेल्फ स्टडी मारी। चलो भाई, कोई टॉपिक याद है? मैथ रीजनिंग जीके के बताओ भाई। संविधान भाग 19 किस से संबंधित है? ठीक भाई, नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व आ रही थे भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, और कोई? और अनुच्छेद 32 में कितने? अनुच्छेद 32 में के कुछ पूछ रहा क्या? चलो भाई, और बहुत सारी कुछ नहीं और बता। चलो 86 बहुत अच्छे, धन्यवाद भाई इतनी जानकारी शेयर करने के लिए भाई। आपने कितने करिए क्वेश्चन है बता दो मेरे को। ये भाई है भाई, कौन सा गांव अपना? मेरा जयपुर से, जयपुर राजस्थान। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे भाई आपने? मैंने 75। तैयारी कहाँ से की थी भाई आपने? मैंने उत्कर्ष से की थी। उत्कर्ष तैयारी करी भाई। कोई टॉपिक याद है किसी सब्जेक्ट का? मतलब जीके में तो के पूछ रखा था, कड़े तो पूछ रखा था, बताओगे के? हाँ भाई, बता में से तो नृत्य में से नृत्य भाई, और पूछ रहे थे ये मौर्यकाल से, मौर्यकाल पंचवर्षीय योजना। ठीक भाई, और कुछ बता दो जो भी पूछा। याद हो जितने क्वेश्चन याद हो उतना ही फायदा होगा, उदा का भी, और तन्ने भी दुआ मिल रही है, मेरे भी पीछे आओगे, सबका फायदा।
चलो भाई बहुत सही बालक है ना। मैथ रीजनिंग का तो नॉर्मल है जी के यार के क्वेश्चन बेरा लाग जाए इसका बालक पढ़ लेंगे बढ़िया हो जाएगा। कंप्यूटर में से एमएस वर्ड के थे तीन चार एक्सेल के थे चलो भाई ईमेल के थे और वो क्या बोलते हैं मैसेज के दे। चलो भाई बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई ने उत्कर्ष तैयारी करके कितने कर क्वेश्चन 75 भाई का काम चलेगा बड़ा शरीफ बालक है भाई ठीक है अपना दोस्त भाई मेरे पहले से पुलिस में कौन से राजस्थान में नहीं यही आज तरीक है दिल्ली पुलिस में भाई चैनल बता दू थरता है अच्छा लंबा ठंडा भाई आ रहा भाई कौन सा जिला है अपना भाई मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ रेत मका रहे हैं भाई चलो गांव भाई मेरा महेंद्रगढ़ माजरा कला गांव माजरा कला भाई कितने क्वेश्चन हुए अपने क्वेश्चन मेरे हुए 78 भाई कहां से तैयारी की आपने तैयारी मैंने की अपने उधर जीनियस अकेडमी महेंद्रगढ़ का तगड़ा नाम है भाई हर बार बच्चे मिला है एग्जाम में तो भाई कोई टॉपिक याद है ठीक के भाई आपको टॉपिक जो क्वेश्चन करे वो सारे जो सही लगे वही किए मैंने गड़बड़ किए नहीं टॉपिक बताओ भाई कोई याद हो कौन सा टॉपिक पूछना चाह रहे हो नहीं जीके में क्या पूछा क्या था कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे थे मतलब संविधान तक कितने सारे तकरीबन संविधान वाले सवाल थे अच्छा भाई ठीक है दूसरी बात पेपर इतना आसान था अगर कोई करने वाला होगा ना तो आराम से नंबर पड़ जाएगा अगर मेरा तो वैसे पड़ जाएगा मैं एक सर्विसमैन वैसे अच्छा भाई ठीक है बाकी लागत आ जाए भाई अच्छी दही बना रहा भाई चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई माजरा कला वाले भाई ने बढ़िया जानकारी दी लो भाई राजस्थान वाले जिला भाई अपना नीम का थाना बदमाशा का एरिया है भाई चलो कितने क्वेश्चन हुए हैं भाई क्वेश्चन हुए 70 भाई तू तो इशारा लग गया अच्छा ये का था ईसा लग गया देख तू आया है 70 हुए भाई तैयारी कित करी तैयारी भाई बिल्कुल ऑनलाइन करी एग्जाम चैनल पे एग्जामपुर तक कर रहा है भाई तैयारी बहुत बढ़िया तो भाई कोई टॉपिक याद है जीके में क्या पूछ रहा है सारे याद ही बता फिर पहले तो यही लोकतंत्र से फिर ही माननावाद ये ही आर्टिकल ही तो एक आर्टिकल दो हाँ और ही मतलब ये ना जीके के बताओ मैथ मुत हो जाए सबका जीके के जितने क्वेश्चन याद हो उड़े करंट ही करंट क्रिकेट संबंधित क्रिकेट आ जाता भाई क्रिकेट आ रहा है और चलो भाई बहुत बढ़िया बालक ने भाई बड़ी मदद करी है बहुत हेल्प लग रही है चलो भाई इतने दे और साइंस का तो चांस में ही MXL 365 से ही क्वेश्चन सारा का सारा भाई चलो कंप्यूटर में 365 रेट दो चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त तेरा धन्यवाद भाई।